हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रांड एपिसोड ऑफ इलेक्ट्रो आइजार्ड। तो गाइस आ चुके हैं यहाँ पे एक और क्लैश ऑफ क्लैन की वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्लीज ऑन करके रख दीजिए क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा पाती है कभी कभार, ठीक है। तो गाइस आज वाली वीडियो में हम लोग अटैक स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, लावा लून्स। लाइक इसमें हम लोग काफ़ी यूनिक करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग 7 लावा हुंड लेने वाले हैं एंड जो हमारे लून्स होंगे वो होंगे 8 लून्स। तो गाइस आजकल क्लैन कैसे ग्रुप्स में ही हम लोग 6 लून्स ले जाते हैं, तो 8 लून्स का तो यार मतलब कोई पूछता तक नहीं है, ठीक है। 8 लून्स में तुम कुछ कर भी नहीं सकते ज़्यादा कुछ, ठीक है। एंड तो यही वाली आर्मी है, काफ़ी यूनिक आर्मी है। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस आर्मी से। तो गाइस पहले मैं तुम लोगों को एक अटैक दिखा देता हूँ जिसमें मैंने यहाँ पे 7 लावा हुंड थे मेरे पास एंड 8 लून्स थे। तो 8 लून्स में कुछ भी नहीं होगा, लाइक पूरे बेस को क्लीन अप करना है एंड वो भी 8 लून्स से। तो मैंने क्या किया कि 4-4 लून्स को डिप्लॉय किया, पर लेकिन थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन से डिप्लॉय करें, ठीक है। एंड मेरे पास टोटल 7 लावा हुंड्स थे, ठीक है। एंड मेन चीज़ की गाइस मैंने वहाँ पे पॉइजन स्पेल तुम लोगों को ले जाना है क्लैन कैसल ट्रूप्स को क्लीन अप करने के लिए। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे जो लावा हुंड्स हैं वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में है, तो जो तुम्हारे लून्स हैं उनको काफ़ी अच्छा टैंक प्रोवाइड करते हैं वो, एंड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तुम्हें अगर तुम ये अटैक स्ट्रेटजी ट्राई करोगे। एंड ये वाली अटैक स्ट्रेटजी में मैं ये नहीं बोल सकता कि मतलब हर बार 3-स्टार आएगा, पर जो दूसरी अटैबी जो मैं सेकेंड अटैक दिखाऊंगा उसमें मैं तुम लोगों को कन्फर्म कह सकता हूँ कि अगर तुम ये वाला अटैक यूज़ करते हो तो ऑलवेज 3-स्टार ही आएगा, ठीक है। ये अटैक में गाइस मैं तुम लोगों को बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम लोग मतलब लाइक ओनली 8 लून्स को यूज़ करके तुम लोग 3-स्टार मार सकते हो। सो अगर तुम लोग 8 के बदले 14 लून्स को ले जाओगे अपने पास अपने अटैक के साथ, ठीक है, तो सोचो यार तुम लोग पूरे बेस को कितने इजीली डिस्ट्रॉय कर दोगे। तुम लोग देख सकते हो मेरे पूरे फुल साइज 2 लावा हुंड बचे हुए हैं, ठीक है। एंड मेरा किंग की एबिलिटी भी मैंने अब जाके यूज़ करी है, ठीक है। एंड अगर मैं ना भी यूज़ करता तो भी यहाँ पे 3-स्टार आ जाता इजीली। एंड बेस का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक है। तो गाइस अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे सेकेंड अटैक दिखाने वाला हूँ। एंड अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो तुम लोग लाइक कर सकते हो वीडियो को। इस वाली वीडियो पे एम करते हैं हम लोग 500 लाइक्स का गाइस, तो वो कंप्लीट कर देना यार। एंड प्लीज़ एक बार शेयर कर दिया करो क्योंकि अटैक स्ट्रेटजी की वीडियोज़ मैं डाल सकता हूँ तभी, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है अटैक स्ट्रेटजीज़ की वीडियोज़ में। एंड अभी यार इस पर भी नहीं डालेंगे तो किस पर डालेंगे वीडियोज़, क्योंकि ऑब्वियसली इस क्लैश ऑफ क्लैंस में कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम लोग मेरा अटैक लॉग देख सकते हो, देखो मैंने कितनी यूनिक आर्मी यूज़ करी है, लाइक ऑल ट्रूप्स आर्मी है, सारे के सारे एक एक ट्रूप्स यूज़ करे हैं इस वाले में। एंड हर एक अटैक में 3-स्टार मारा है, एक बारबेरियन, एक आर्चर, एक जाइंट्स वाला आर्मी भी ट्राई किया। एंड ये वाला अटैक देखो गाइस इसमें मैंने विदाउट क्लैन कैसल ट्रूप्स मैंने इस वाले बेस पे 3-स्टार निकाला है, ठीक है। टाउनल 10 के एक्सपोज है इसके पास, है ना, हीरोज भी उसके हाई लेवल के थे। एंड इसमें मैंने क्या किया कि मैंने 8 के बदले 14 लून्स मैंने लिया है एंड 3-3 लून्स करके मैंने ड्रॉप करे हैं, ठीक है। एंड तुम लोग 3-3 लून्स अगर ड्रॉप करोगे तो तुम्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा। लाइक जो मैंने 8 लून्स वाला आर्मी तुम्हें दिखाया था उसमें 3-स्टार बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। पर जो ये वाला आर्मी है जिसमें लाइक टोटल 6 लावा हुंड आप लोगों को ले जाने पड़ेंगे एंड 14 लून्स आपको ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। और इस वाले अटैक में मैंने क्लैन कैसल ट्रूप्स नहीं यूज़ किए, पर तुम लोगों को करने हैं वो, ठीक है। एंड मेन चीज़ तुम लोग अटैक देखो यार कितना ईजिली इस बेस को क्लीन अप करा। एंड जहाँ पे मतलब तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे बाकी डिफेंसिस बचा हुआ है, ठीक है, वो डिफेंसिस काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तुम्हारे आर्मी को, ठीक है, तो तुम्हें वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने हीरोज़ को डिप्लॉय करना है, लाइक किंग हो गया, क्वीन हो गया, तो तुम उससे अच्छा खासा हैंडल कर सकते हो अटैक को। एंड जो 2-स्टार होने वाला होगा वो भी 3-स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देख सकते हो यार मेरे हीरोज़ की एबिलिटी भी मैंने मतलब यूज़ तक नहीं करी एंड अभी से 3-स्टार कन्फर्म हो गया है। सोचो मतलब लाइक 3-स्टार ईजिली आ जाएगा ऐसे बेसिस पे, ठीक है। एंड तुम लोग ये अटैक स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अभी देखो मेरे हीरोज़ की एबिलिटी मैं अब जाके यूज़ कर रहा हूँ, जब पूरा डिफेंसिस को मैं क्लीन अप कर चुका हूँ तब जाके यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस बस आज वाली वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि मैं ऐसी क्लैश ऑफ क्लैन की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। एंड नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस करके रख देना एंड उसको ऑन कर दो। तो गाइस मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए ब
बाय बाय।